नमस्कार, मैं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। वक्त हो चला है 50 बड़ी खबरों का। रामपुर में सपा का सख्ती प्रदर्शन नाकाम, आजम के बेटे को पुलिस ने किया नजरबंद, कार्यकर्ता हिरासत में। आजम खान पर विवाद, एसपी नेता धर्मेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। रामपुर में सपा का बवाल, डीजीपी बोले किसी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप से जुड़े सभी मामले दिल्ली में स्थानांतरित करने का दिया आदेश, 45 दिनों में होगा फैसला। उन्नाव रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पीड़ितों को दी जाए सीआरपीएफ की सुरक्षा। उन्नाव रेप केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 दिनों में पूरी करो एक्सीडेंट की जांच, पीड़ितों को 24 घंटे में मिले 25 लाख का मुआवजा। उन्नाव कांड, पीड़िता व वकील की हालत नाजुक, सीबीआई ने परिवार के लोगों से की पूछताछ। उन्नाव रेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से किया गया निष्कासित। फेड रिजर्व का भारतीय शेयर बाजार पर असर, 700 से ज्यादा अंक टूटा सेंसेक्स, निफ्टी भी 11,000 के नीचे। एयरसेल मैक्सिस केस, पी चिदम्बरम और कार्तिक चिदम्बरम को राहत, 9 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक। प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर वार, कहा यूपी की हर लड़की के मन में यह सवाल कि उसकी आवाज सुनी जाएगी या नहीं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक विधेयक को दी मंजूरी। जोमैटो का मुस्लिम डिलीवरी बॉय बोला, दुख हुआ पर गरीब हूँ, सहना पड़ेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, नहीं देना होगा बिल। मुफ्त बिजली पर भाजपा ने कहा, हम स्वागत करते हैं मगर पूछो पैसा कहां से आएगा। एनएमसी बिल के विरोध में हड़ताल पर बैठे दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स। छात्राओं का एएसपी से सवाल, अगर शिकायत करने पर उन्नाव पीड़िता की तरह हमारा भी एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या करेंगे। वडोदरा में 6 घंटे में 442 मिलीमीटर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सीएम ने की आपात बैठक। ईडी की बड़ी कार्रवाई, हैदराबाद में जब्त की आईटी फर्म की 86.38 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति। राज्यसभा में मोटरयान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी। झारखंड में 3 साल की बच्ची से 2 लोगों ने किया दुष्कर्म, धड़ मिला, सिर खोजने में लगी हुई है पुलिस। पेट दर्द का बहाना बनाकर पुलिस से छूटकर भागा अफगानिस्तानी कैदी। उन्नाव रेप केस, पीड़ितों की सुरक्षा के लिए तैनात, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी में भट्टा कारोबारी के चौकीदार ने गोली मारकर की हत्या, आरोपी फरार। ट्रिपल तलाक बिल पास होने पर कुमार विश्वास ने किया ट्वीट, लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ। रैनबैक्सी के पूर्व सीईओ मलविंदर और शिवेंद्र मोहन सिंह के आवास पर ईडी का छापा। ऑटोमोबाइल कंपनियों को सरकार की 2-2, या तो इलेक्ट्रिक वाहन लाओ नहीं तो भरो जुर्माना। मारुति सुजुकी की बिक्री में बड़ी गिरावट, नहीं बिक रही है मिनी कारें। बीएसएनएल कर्मचारियों को नहीं मिली जुलाई की सैलरी, 6 महीने में दूसरी बार हुआ यह संकट। अमेरिकी फंड खरीदेगा जी एंटरटेनमेंट का 11% हिस्सा, 4224 करोड़ में हुआ सौदा। महीने के पहले दिन आम लोगों को मिली राहत, कम हुई पेट्रोल की कीमतें। कैफे कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर में 10% की गिरावट, निवेशकों में हताश। जुलाई में तेज हुई घरेलू विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, नए ऑर्डरों अधिक उत्पादन रही मुख्य वजह। नीली रोशनी के साथ आसमान से गिरी अजीब चीज, हुआ 15 फीट गहरा गड्ढा। रंगभेद पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लोग भी तो हीरो हीरोइन को गोरा ही देखना चाहते हैं। ग्लैमरस फोटोशूट के लिए ट्रोल हुई अनुष्का शर्मा, ड्रेस पर अश्लील कमेंट। जया बच्चन ने सदन में उठाया फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोगों का मुद्दा। दिया मिर्जा और साहिल सांघा की शादी टूटी, 11 साल बाद जुदा हुई दोनों की राह। नेटफ्लिक्स पर हिट टीम का फॉर्मूला, चौकड़ी के साथ नजर आएंगे करण जौहर। जानवी कपूर ने बेस्ट फ्रेंड को किया बर्थडे विश, शेयर की फोटो। जन्मदिन पार्टी, कियारा आडवाणी संग निकले सिद्धार्थ मल्होत्रा, चर्चा में है तस्वीरें। 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों के बीच पहुंचे विकी कौशल। रोहित शर्मा ने लिखा, मैं सिर्फ टीम के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए खेलता। गांगुली बोले, विराट को यह बताने का हक है कि वह किसे कोच चाहते हैं। कोहली के कहने पर नहीं चलेगी सीएसी, नए कोच के इंटरव्यू पर नहीं पड़ेगा असर। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस को गिरफ्तार करने का किया दावा।
यमन के आदेन में मिसाइल अटैक, 40 लोगों की मौत। भारत पाकिस्तान की दो लड़कियां दे बैठी एक दूजे को दिल, इंटरनेट पर धमाल मचा रही है इनकी लव स्टोरी। आसियान समिट, जयशंकर बोले इंडो पैसिफिक की समृद्ध बनाने में भूमिका निभाया आसियान। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर जारी रहेगा यूएस प्रतिबंध, यूरोपीय देशों पर नहीं लागू होंगी शर्तें। फिलहाल 50 बड़ी खबरों के लिए इतना ही, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो से।